विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 हिंदी काव्य 6 तूफानों की ओर अभ्यास और स्वाध्याय इस काव्य के प्रश्न उत्तर समझेंगे। आप ध्यान से सुने। अभ्यास प्रश्न 1, शुद्ध उच्चारण कीजिए। हमें सिर्फ यहाँ पर उच्चारण सीखना है। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी, स्पंदन। प्रश्न 2, तूफानों की ओर। इस काव्य का समूहगान कीजिए। हमें YouTube या शिक्षकों की मदद से आपको काव्य सुनना है और उसके बाद उसका समूहगान करना है। प्रश्न 3, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर, तूफान मतलब मुश्किलें, कठिनाइयां। इस तूफान से भागना कायरता है। तूफानों से हमें डटकर सामना करना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां बहुत कुछ सिखा देती है। इसलिए कवि नाविक से कहते हैं कि अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। इस तरह तूफान से न डरकर हमें उसका सामना करना चाहिए। हमें कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए। 2, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात है? उत्तर, सागर भी तो पहचाने। इस पंक्ति से कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य के पास साहस और शक्ति है। ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं है जिसका मुकाबला मनुष्य नहीं कर सकता। इस तरह से कवि सागर को चुनौती देते हैं कि हम मनुष्य भी कम नहीं है, हमारे में भी साहस और शक्ति है, ऐसा वह कहना चाहते हैं। 3, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, समस्या आने पर भयभीत नहीं होना चाहिए, समस्या से डटकर सामना करना चाहिए। हमें समस्या का धैर्य से उचित उपाय ढूंढना चाहिए। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, मगर हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और धीरज और धैर्य से हमें उसका सामना करना चाहिए, उचित उपाय ढूंढना चाहिए। 4, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? उत्तर, इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ यह होता है कि आंधी आना यह अपने आप की एक परीक्षा है। ऐसे कठिन समय पर हमें स्वयं को पहचानने की बात है। मतलब कोई आंधी या तूफान या कोई समस्या आती है तो वह हमारी परीक्षा है और इस परीक्षा के समय पे हमें
हमारा जो साहस है उसे पहचानना है। प्रश्न चार, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर किताब के विषय पर एक कविता दी गई है, तो उस कविता को समझकर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक, प्रश्न के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, किताबों में कौन चहचहाता है? यहाँ पर तीन विकल्प दिए हैं, तोता, मोर, चिड़िया। इसका सही जवाब है चिड़िया। ख, किताबें किसके किससे सुनाती है? राजा, परिया, किसान। इन तीन विकल्प में से सही उत्तर है परिया। ग, किताबों में किसके लहलहाने की बात है? खेतिया, झरने, बाग। इन तीन विकल्प में से उत्तर है खेतिया। दो, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिया, किस्सा, संसार, बर्मा। इन चार शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। उत्तर, परिया। मेरी दादी मुझे परिया की कहानी सुनाती है। किस्सा, शिक्षक ने एक किस्सा सुनाया। संसार, संसार में सुख दुख आते जाते रहते हैं। भरमार, किताबों में ज्ञान की भरमार होती है। प्रश्न तीन, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, किताबों में क्या क्या है? उत्तर, किताबों में चिड़ियों का चहचहाना, खेतों का लहराना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। ख, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? उत्तर, किताबों से हमें ज्ञान मिलता है। किताबों से पूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त होती है। चुटकुले आदि से मनोरंजन मिलता है। पूर्ण विश्व किताबों में समा जाता है, इसलिए किताबें पढ़नी चाहिए। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं हमारे दिमाग से सोचकर लिखना है। ग, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर, किताबें हमें हर तरह की जानकारियाँ देती है। किताबों में विविध विषयों का ज्ञान है। हर समस्या का हल किताब है, इसलिए कवि ने कहा है कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। इस तरह से किताब यह हमें हर तरह की जो समस्या है उसका हल देता है। हमें पूर्ण विश्व की जानकारी देता है। घ,
इस काव्य का उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर, उचित शीर्षक किताबों का महत्व। आप अपने हिसाब से आप प्रश्नों के उत्तर लिखें। यह जो प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं, यह आपके जानकारी के लिए दिए हैं। आप स्वयं पढ़े और समझे, उसके बाद बिना देखे आप प्रश्नों के उत्तर लिखे। प्रश्न 5, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे, बच्चे, जगाना, खरीदा, खुश, मुर्गा, पक्षा, बांग। तो इस आधार पर हमें एक कहानी बनानी है। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, आप उसे बढ़ा चढ़ाकर कहानी पूर्ण कीजिए। एक रामपुर नाम का गांव था, वहाँ पर भोला नाम का एक लड़का रहता था। वह एक दिन मेले में गया। मेले में उसने बहुत सारे खिलौने देखे, मगर उसने एक वहाँ से मिट्टी का मुर्गा खरीदा। वह खिलौना वह घर लेकर आया और उसने वह खिलौना घर पर जो एक बक्सा था उस बक्से में छेद की और वह बक्से के अंदर उसने मुर्गा रख दिया। अब जब रात को सोने का वक्त हुआ, तभी भोला उसकी माता को कहता है कि मुझे सुबह उठाना नहीं, मैं खुद ही उठ जाऊंगा। तभी वह सो गया। सुबह देर तक सोता रहा। तभी उसकी माँ ने उसे उठाया, बेटा उठ जाओ। तो भोला उठा और कहने लगा, मेरे मुर्गे ने बांग क्यों नहीं दी। तभी उसकी माँ हंसने लगी, मेरा भोला बेटा कभी मिट्टी का मुर्गा भी बांग देता है, और उस पर हंसने लगी। इस तरह से यह कहानी मैंने आपको सुनाई। आप अलग तरह से भी यह कहानी इन शब्दों के आधार पर लिख सकते हो। प्रश्न 6, आपके गांव में बाढ़ आए तब उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। इसका उत्तर आपको खुद लिखना है। तो हम अगर बाढ़ आ जाए तो हम अपना गांव नहीं छोड़ेंगे, हम ऊंची जगह पर जाकर रहेंगे और हम गांव वालों की मदद करेंगे, उन्हें पानी की व्यवस्था करेंगे, बाढ़ कम हो जाने पर लोगों को अनाज की मदद करेंगे, लोगों से अनाज इकट्ठा करके हम लोगों की मदद करेंगे, जितना बन सके उतनी हम मदद करेंगे। फंसे हुए लोगों को
अपने गांव के ऊंची जगह पर ले जाएंगे। इस तरह से हम अपने विचार से उत्तर लिखना है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। तो जो ईमानदारी शब्द है उसका विशेषण होता है ईमानदार। वाक्य, ईमानदार अच्छे व्यक्ति का लक्षण। 2, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। तो अमीरी, इस शब्द का विशेषण होता है अमीर। वाक्य में प्रयोग, सेठ तोंडीमल अमीर है। 3, हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। ऊंचाई, इस शब्द का विशेषण होता है ऊंचा। वाक्य, वह ऊंचा इंसान है। 4, लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी। उत्तर, वीरता का विशेषण वीर। वाक्य, कर्ण यह वीर था। 5, दूसरों की बुराई करना पाप है। उत्तर, बुराई का विशेषण होगा बुरा। वाक्य, सिकंदर बुरा राजा था। प्रश्न 8, कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाक्य, चोरी करने पर भी दादागिरी कर रहा था। यह तो यही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2, न रहेगा बास न रहेगी बांसुरी। वाक्य, ज़्यादा टीवी देखने के कारण पिताजी ने टीवी बेच दी। मतलब न रहेगा बास न रहेगी बांसुरी, मतलब जड़मूल से उसका उपाय ढूंढ लेना। 3, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वाक्य, त्यौहार आता है और चला जाता है। लोगों के लिए सिर्फ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वाक्य, रामू घर से देरी से निकलने पर प्रेम छूट जाने से पछताने लगा। तभी मैंने कहा, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है। उत्तर, कवि सुमन कहते हैं कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। जीवन में कठिनाइयां आने पर पीछे नहीं हटता, वह आगे ही बढ़ता है। मनुष्य में साहस की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य तब तक साहस है तब तक थकता नहीं, इसी बल पर 7 सागर पार कर दिए है। इस तरह कवि मनुष्य के शक्ति की ओर इशारा किया है। 2, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। उत्तर, एक ओर
सागर में ज्वार उठा है, दूसरी ओर कवि के हृदय में ज्वार उठा है। इस प्रकार कवि और सागर में ज्वार उठा है। इस तरह सागर और कवि इनमें एक तूफानों का सामना करने के लिए ज्वार उठा है। तीन, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? उत्तर, समुद्र में बड़ा तूफान आया है। तूफान को देखकर नाविक घबरा जाएगा, ऐसा तूफान आया है। समुद्र के ज्वार से कठिन परिस्थितियां पैदा हो चुकी है। इस तरह समुद्र ने विराट स्वरूप धारण किया है। चार, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उत्तर, मनुष्य धरती पर जन्म लेता है और इस धरती पर ही मृत्यु हो जाती है। इस धरती के मिट्टी से स्वयं को आहार मिलता है, इसी मिट्टी में खेलता है, बड़ा होता है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से संबंध होता है, इसीलिए कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। इस तरह से यह पृथ्वी पर ही हमारा जन्म होता है और इसी मिट्टी में हम आखिर में मिल जाते हैं। पाँच, मांझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है? उत्तर, सागर में बहुत शक्ति है, मांझी सागर के तूफानों के सामने कभी भी नहीं थकता। जब तक मांझी के सांसों में जान है तब तक मांझी का हाथ नहीं रुकता। प्रश्न दो, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस कविता का भावार्थ हमारे जीवन से जुड़ा है। संसार रूपी सागर में मनुष्य नाविक है। सागर तूफान आने पर भी नाविक आगे बढ़ता है। उसी तरह मनुष्य अपने जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थितियों का धैर्य और साहस से सामना करता है। जब तक मनुष्य में प्राण है तब तक मनुष्य अपना कार्य करता है। इस तरह से यह सिर्फ इस कविता का भावार्थ है। आप और भी इसमें लिख सकते हो। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। अब आप अपने हिसाब से इसे ध्यान से पढ़ें और बिना देखे आप प्रश्नों के उत्तर लिखें। आभार।